वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। ओ फाइनली जिसका इंतजार था वो आ ही गया। शी हल्क का ये एपिसोड फुल ऑफ ईस्टर एग्स, कैमियो, इंटरेस्ट एंड टर्न से भरा हुआ था। बिना देरी के लेते हैं ज्ञान का डोज। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है लीफ फ्रॉग, जो कि कॉमिक में सबसे पहले मार्च 1967 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बेसिकली इसे क्रिमिनल माइंडेड टोनी स्टार्क बोल सकते हैं, जिसके पास टी से पावर तो नहीं है बट टी से पैसा बहुत है। और फेमस होने के लिए स्ट्रीट क्राइम कम करता है बट उसके लिए इल्लीगल एक्टिविटीज भी कर देता है, जैसा कि हमें दिखाया जाता है इस एपिसोड में, जब वो अपना सूट अपग्रेड करवाने के लिए सूट बनाने वाले को ही किडनैप कर लेता है। उसका नाम होता है लूक जेकब्स। लूक का केस लड़ने आता है मैट मडॉक, एके डेयरडेविल। यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लूक का एडवोकेट मैट ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? तो इसीलिए क्योंकि लीपफ्रॉग ने लूक से डिमांड की होती है कि उसे अपने क्लाइंट की लिस्ट देनी होगी, क्योंकि लूक सुपर हीरोज की ड्रेस बनाता है, इंक्लूडिंग शी हल्क ड्रेस एंड डेयरडेविल ड्रेस। लिस्ट शेयर करने पर डेयरडेविल की आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है, इसलिए अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए ल्यूक का एडवोकेट मैट बनता है। इसी केस में मैट रिवील करता है कि सोकोविया अकॉर्ड रद्द हो चुका है, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुई। नेक्स्ट हमें वकैंडियन भाला देखने को मिलता है, वो ऑक्शन में ऑर्डर ने खरीद लिया है और वो जैन को ये बात बताता है। नेक्स्ट हमें शी हल्क एंड डेयरडेविल का फेस ऑफ दिखता है अपनी अपनी ड्रेस में, जहाँ रिवील होता है डेयरडेविल मस्टर्ड येलो एंड रेड सूट, जो कि श्रद्धांजलि है मैट मडॉक के फादर बैटलिन जैक मडॉक के लिए। देन शी हल्क एंड डेयरडेविल का एक छोटा सा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, देन दोनों का टीम अप होकर फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है लीफ फ्रॉग के अगेंस्ट। देन एक QR कोड मिलता है जिसका खजाना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें वॉल्वरीन का रेफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि अब ऑफिशियल एंट्री अनाउंस हो चुकी है डेडपूल 3 में, टीजिंग स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट हमें शी हल्क टीज करती है रेड हल्क के लिए फोर्थ वॉल ब्रेक करके, वो भी होगा नेक्स्ट एपिसोड में दिखी जाएगा। गाला का इवेंट होता है जहां फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड अभी फीमेल्स को मिल जाता है, क्योंकि इवेंट को हैक किया होता है इंटेलिजेंसिया लोगों ने, क्योंकि स्क्रीन पर जैन के पर्सनल मैसेजेस एंड इंटीमेट सीन्स दिखाने लगते हैं, जिसके बाद हमें फर्स्ट टाइम शी हल्क का एंगर देखने को मिलता है जब वो सब कुछ तोड़ने लगता है। अभी फर्स्ट एपिसोड में ब्रूस की वो लाइन याद आती है, सबसे बड़ी बात लोग जब तुम्हें मॉन्स्टर की तरह देखेंगे ना वो उसे कभी नहीं भूलेंगे। एडिंग कुछ एपिसोड्स के बाद ये वाला एपिसोड पसंद आया है, वरना तो बस ये सीरीज बोर ही कर रही थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।